दस लाख लोगों को वेतन देने के लिए कहां से पैसा लाएंगे? जैसे लग रहा था कि इन्हीं के कल्याण बीघा से लाना। हमारी लड़ाई तो जदयू से है ही नहीं। वो 25 सीट का नाम बता दें जहां जदयू पार्टी राजद के साथ लड़ाई में। गोला था नहीं हेरा से अभिनंदन वरवलों के अपना कार्यक्रम जना का नाम हो खुटा ठोक के। हम बड़ी वरवलों से माफी मांगल चाहब कि खुटा ठोक के लगातार नहीं खे आ पाओ, लेकिन प्रयास हमारा रहता कि अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से रुवालों के सामने खुटा ठोक के भी कुछ कुछ अंश हम जोड़त रही। लेकिन आज मौका मिलल है, मौका ऐसे मिलल है कि फर्स्ट जौन पहिलका चरण रहा उकर चुनाव प्रचार थम गई और वो शोरगुल में हमू थोड़ा सा शांति मिलल है। कारण कि काल चुनाव बा और चुनाव बा तो निश्चित रूप से वो लोग अपना बीच में मंथन करत हो। अब दूसरा चरण के तैयारी जम के हो रहा बा। हालांकि पूरा टीम भारत लाइव के निकल चुकल बा। पांच गो टीम अलग अलग जगह निकलल बा। एक टीम लगातार जौन पटना के पूर्वी छोर बा, यानी कि बख्तियारपुर बाढ़ मोकामा भागलपुर तक के दौरा कर रहा बा। बिरजू ओकरा के लीड करतन, आज रुआ लोग देख लो लाइव के माध्यम से या और भी माध्यम से। दूसरका टीम छपरा सिवान गोपालगंज और चंपारण के, चंपारण दोनों चंपारण के दौरा पर बा। अब ये सब में जो दूसरा चरण के 94 गो सीट के चल रहा बा चुनाव, यह बीच में एक बयान बड़ी तेजी से आ रहा बा। प्रथम चरण के चुनाव थमला के बाद अलग अलग राजनीतिक दल अपना अपना हिसाब से पूरा जोड़ लगौले और जोड़ लगा करके अपना अपना जीत हार के दावा करते रहे। लेकिन ये बीच में एगो बात बड़ा जबरदस्त ढंग से आ रहा बा और बात बा कि नीतीश कुमार यह लड़ाई से बाहर हो गए बड़े। 2020 के लड़ाई से नीतीश कुमार बाहर हो गए बड़े। अभी बात कहे वाला उकरों से परिचय हुआ कराई, लेकिन ये बात बहुत गंभीर बा और एक बात के पीछे कहे के पीछे बहुत सारा कारण बा। वो कारण में से कुछ कारण के रोलक बताओ तनी। पहला कारण तो ये बा कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान नीतीश कुमार के विरुद्ध जौन चुनावी बिगुल फूंक दिले बड़े, विरोध के बिगुल फूंक दिले बड़े, वो ज़्यादा परेशान करता नीतीश कुमार के भी। हालांकि महागठबंधन भी परेशान बा और परेशान एनडीए भी बा। महागठबंधन ऐसे परेशान बा कि लड़ाई नीतीश बनाम तेजस्वी होत रहे, लेकिन तेजस्वी यह लड़ाई में नीतीश कुमार के साथ हुई हैं। ये बात के शुरुआती दौर में बात होत रहे, लेकिन अब साफ कहल जाता कि तेजस्वी का लड़ाई तो नीतीश कुमार से है ही नहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी कह रहा बा। भारतीय जनता पार्टी के कहना बा कि हमारी लड़ाई तेजस्वी से है। तो एमे जब भारतीय जनता पार्टी भी बात कहता कि हमार लड़ाई तेजस्वी के साथ बा, साफ रूप देख ले हो कि तस्वीर से नीतीश कुमार गायब हो गए बड़े भारतीय जनता पार्टी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर के लगातार प्रचार हो रहा बा, यह आत्मनिर्भरता से नीतीश कुमार अलग हो गए बड़े का साथ साथ सात निश्चय योजना के कोई चर्चा नहीं खे होत। अगर होत भी बा तो ओकरा में जोर नहीं खे। लेकिन ये बीच में आरजेडी बड़ी उत्साहित बा और ये उत्साह होना भी चाहिए, भले चुनाव परिणाम जे होके, लेकिन उत्साह के मौका बा आरजेडी के जबरदस्त ढंग से मिलल बा। और ये मौका उनका मिले के कारण भी बा, उनका सभा में भीड़ हो रहा बा। और एकरों से बड़ बात बा कि तेजस्वी यादव अकेला दम पर, जी हाँ बिल्कुल अकेला दम पर वो लगातार सभा कर रहा बड़े। और सभा चाहे उनका महागठबंधन के कोनो दल के उम्मीदवार खाती होके, वो अपने से किला ठोक के खूंटा ठोक करके और जबरदस्त ढंग से मजबूती से अपन बात रखते रहे। लेकिन ये बात तेजस्वी यादव नहीं खन कहले कि नीतीश कुमार लड़ाई में नहीं खन। नीतीश कुमार अभी भी लड़ाई में बाड़न, ऐसे कि नीतीश कुमार चूंकि सत्ता में बांध तो लड़ाई में उनका रह ही के बा, लेकिन ये बात बहुत मजबूती से कहा जाता कि नीतीश कुमार 20 सीट ले आदेश तो बिहार के जनता के उनका बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहिए कि उनकर पार्टी कम से कम बांच गई, पार्टी के सिंबल बांच गई। स्थिति ऐसा बा
कि धीरे 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 नीतीश कुमार के चरतरफा घेरे के प्रयास हो रहा बा, जहां एक तरफ उनकर पुरान सड़हिया पुरान साथी उपेंद्र कुशवाहा उनका के हर जगह घेरे के प्रयास करता रहा। 35 सीट पर वालों के लगातार हम बतैले रही, चाहे वो महापंचायत होके या फिर रातों रात होके, उस सब के माध्यम से वालों के हम एक एक खबर बतैले बनी। और वो खबर में जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा RLSP नीतीश कुमार के मजबूत टक्कर दे रहा बा, एक ही पाठशाला से निकलल दोनों आदमी। रुवालों के याद होई कि जनता दल जनता दल के बाद समता पार्टी और समता पार्टी के संस्थापक में से ही लोग रहे। जॉर्ज फर्नांडिस के नाम ले ली, शरद यादव के नाम ली, नीतीश कुमार के नाम ली, उपेंद्र कुशवाहा के नाम ले ली। ये लोग बहुत बढ़िया लव कुश के जोड़ी बहुत अच्छा ढंग से चलत रहे, लेकिन कालांतर में ये लोग अलग हो गई। और नेपथ्य में जब जाकर के रुआ देखब चीज के, तो रुआ सब हिगरा हिगरा के अलग अलग नजर आई। दूसरा तरफ अचानक से 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ करके NDA में गए, तो बहुत लोग खिसपीट में छोड़ के भाग आई NDA के, जहाँ में उपेंद्र कुशवाहा भी रहन और जीतन राम मांझी भी रहन। उपेंद्र कुशवाहा अभी भी अलग बाड़े, ना वो महागठबंधन बाड़े ना NDA में बाड़े, वो एक अलग गठबंधन बाड़े, ग्रैंड सेकुलर अलायंस। हम चर्चा उनकर नहीं करत, हम चर्चा करता नहीं चिराग पासवान के, जौन की कोनो गठबंधन में निखन अकेले उताल ठोकले बहन। और उनकर कहना बा कि उनकर पिताजी उनका ये बात कहले रहन कि नीतीश कुमार के साथे रहे से अच्छा बा कि तू अकेला एक चुनाव लड़ा। और उस साफ तौर पर हुआ देखले होकर कि लिख दिले बड़े कि असंभव नीतीश, लेकिन हम ओकरो बात नहीं करत। हम बात करता नहीं RJD के एक बहुत ही कद्दावर नेता के, जिनका बात के लगातार वजन होके लागल बा। RJD में ना रह के भी, RJD के पदाधिकारी ना होकर के MLC बने से पहले भी, वो लगातार बिहार के अलग अलग राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उनका बयान आवत गई बा। और बयान के रउआ सब सुनले बानी, कोट भी कैले बानी, सहकारिता आंदोलन के एक जनक के रूप में उनका के देखल जाला। हम सुनील सिंह के बात करते नहीं, सुनील सिंह बहुत सारा मुद्दा पर अपन बात रखेले। RJD के मुद्दा पर उनका कहना बा कि नीतीश कुमार तो लड़ाई में ही नहीं खन, नीतीश कुमार लड़ाई से बिल्कुल बाहर हो गए बड़े। जगतानंद सिंह से जब हमारे बातचीत भई रहे, तो वही बात कहले रहन कि अब के हाली नीतीश कुमार अपने करनी से जे कुछ भी बिहार के जनता के साथ वो धोखा कैले छल कैले, ओकर जवाब बिहार के जनता उनका के स्वतः दे दी। और अब सुनील सिंह वही बात के रिपीट कर दिले बड़े, उनका कहना बा कि नीतीश कुमार तो लड़ाई में बड़ल ही ना, तेजस्वी यादव के लड़ाई या तो भारतीय जनता पार्टी से बा या फिर LJP से बा। नीतीश कुमार तो कहीं लड़ाई में नहीं खन, अगर उनका 20 गो सीट भी आ जाए तो उनका एहसान मंद होके चाहिए बिहार के जनता के। इतना धोखा कैला के बाद भी लोग अभी भी, और उनका चलते ना कुछ उम्मीदवार बहन जिनका चलते उनका 20 गो सीट मिल जाए। अभी बात बहुत लमहर बा, प्रथम चरण के चुनाव प्रचार थम गई बा, दूसरा चरण के चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा बा। और अभी जो स्थिति बा कि काल पहला चरण के मतदान हुई, यह मतदान से पहले ये बयान कितना असरकारक होता, जनता पर कितना ज़्यादा असर करता, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बा। सुनील सिंह का कुछ कहले हा, वह शुरू में तो देखबे कहीं, अब पूरा के पूरा देखी कि सुनील सिंह जब प्रिया से बातचीत भइल, हम पहला हाली ऐसा कोनो एपिसोड कर रहा बानी खुटा ठोक में जौना में कोई के बयान देखा रहा बानी। और ये बयान यह चलते भी महत्वपूर्ण बा कि यह बयान के व्यापक परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार जैसा कद्दावर नेता, जिनका भरोसा पर भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान ही ना दुनिया के सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता वाली बड़ा पार्टी भी आ, वो नीतीश कुमार के अपन कप्तान बना दलस, मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बना दलस, उनका पीछे पीछे चले खातिर तैयार बा। उ पार्टी जन सर्वे कैले रहल हा कि नीतीश कुमार सत्ता में आ रहल बा, 200 सीट के वादा करे वाला दावा करे वाला भारतीय जनता पार्टी जन नीतीश कुमार के सामने चल रहल बा, वो पार्टी के अब सोच ली कि सुनील सिंह के सर्वे का कहता। सुनील सिंह बिस्कोमान के अध्यक्ष हवन और सहकारिता आंदोलन से जुड़ल एक बड़ा स्तंभ के रूप में उनका के देखा जाला। और उनका बयान में ये बात कहना कि नीतीश कुमार के 20 गो सीट भी नहीं खेवत, ये ज़्यादा आश्चर्यचकित करे वाला बा। और बिहार के लड़ाई कौना दिशा में जा रहा बा, रुआ खुद सोच सकी ले। तो जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी थे,
वो बता रहे थे कि भाई 10 लाख लोगों को वेतन देने के लिए कहाँ से पैसा लाएंगे, जैसे लग रहा था इन्हीं के कल्याण बीघा से लाना था जी। समझ गए ना जी। तो अब ये न बतावें, बीजेपी का तो जवाब दे दें। तो उस समय उनका पूंछ दुबक गया, उस समय वो बिल के अंदर चले गए कि भाई 19 लाख वो बोल दिया, तब क्या बोलते। अब उनको क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कि 19 लाख का रुपया आप लोग कहाँ से लाइएगा। हमारी लड़ाई तो जदयू से है ही नहीं जी। बिहार में अधिकांश क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनता दल की लड़ाई लोक जनशक्ति पार्टी से है, भाजपा से है। वो लड़ाई में है कहाँ? वो 25 सीट का नाम बता दें जहाँ जदयू पार्टी राजद के साथ लड़ाई में हो। अरे वो बुरी तरह हार रहे हैं, उनके पास 20 सीट भी आने वाला नहीं है। अब 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आप 10 तारीख को माननीय तेजस्वी जी को शपथ लेते हुए देखिएगा। आप स्पष्ट समझिए कि मेजोरिटी राष्ट्रीय जनता दल एवं गठबंधन का आना तय। जनता मन बना चुकी है, जनता इंतजार कर रही है 28 तारीख का, 3 तारीख का और 7 तारीख का, और रिजल्ट आप 10 तारीख को देख लीजिएगा। फिर काल भेंट हुई यही ठिया पर, जना के नाम है खूंटा ठोक के। बिहार के अलग अलग जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा बा, यानी चुनाव तो पूरे बिहार में हो रहा बा, 243 सीट के सर्वे हम लगातार रुआ के हमनी के दिखा रहा बन जा, भारत लाइव दिखा रहा बा। रुआ के बता ही देनी कि अगर रुआ छपरा में बानी, सिवान में बानी, गोपालगंज में बानी, रुआ चंपारण में बानी, शिवहर में बानी, सीतामढ़ी में बानी, समस्तीपुर में बानी, तो रुआ संपर्क कर सकीले, चूँकि ये सब क्षेत्र में चुनाव प्रथम चरण बा। रुआ पटना में बानी, मोकामा में बानी, बाढ़ में बानी, भागलपुर में बानी, बांका में बानी, तब भी वह हमने संपर्क कर सकीले, क्योंकि दूसरा चरण में जहाँ जहाँ पटना, नालंदा, सारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, मोतिहारी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और भागलपुर, 94 सीट के जहाँ जहाँ चुनाव बा, रुआ अगर संपर्क कर चाहतनी हमनी के टीम से, अपन बात रखल चाहतनी, तो नंबर बा 72-777-65-303 7277-65-303। एगो और नंबर बा जौन संपादक नमन मिश्रा जी खुद टीम के लीड कर रहल बानी, वहाँ के नंबर बा 9386-816-700 9386-816-700। इन नंबर के लिख लीही, सब नोट कर लीही, या फिर भारत लाइव पर नंबर बढ़ले बा, वह नंबर पर संपर्क कर सकीले और अपन बात रख सकीले। फिर काल भेंट हुई, हमार प्रयास बा कि खूंटा ठोक के रुवालो से दूर मत रहे, और हम रुवालो से दूर नहीं, हम तो रुवालो से भेंट करते बानी, लेकिन हम अपन जौन गुरही मिठाई नहीं खे भेटा, गुरही मिठाई है दुनिया के सबसे मीठ भाषा है, रुवालो से बार बार हम कहिले, और निश्चित रूप से एक गुरही मिठाई के स्वाद रुवालो के अब हमेशा दिखाई दी। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।